वेलकम डियर वीवर्स वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद एन इमिन विद द टॉपिक जीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स इट मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक लेट स्टार्ट यहां पे मैंने वर्ड लिखा नावन इसके काइंडस तो हर एक जानता है यानी कॉमन नावन प्रॉपर नावन, एबस्ट्रैक्ट नावन, मटेरियल नावन, कलेक्टिव नावन ये पांच एक्साम जो है नावन के इनके बारे में तो हर एक जानता है और यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है ज़ीरो आर्टिकल ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं होता है ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कॉमन नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है प्रॉपर नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता एबस्ट्रैक्ट नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता मटीरियल नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता कलेक्टिव नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है और इसके साथ भी मैंने दिया है अनकाउंटेबल नाउनस यानी ये नाउनस जो होते हैं ये काउंटेबल भी हो सकते हैं अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं काउंटेबल नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता लेटस सम सम्पल दैट आई हैव साइटेड विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट गोल्ड इज एक्सपेंसिव एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए आप ध्यान से इसको समझना है गोल्ड इज एक्सपेंसिव गोल्ड जो है ये मटीरियल नावन है और रूल क्या हमने यहाँ पे पढ़ा मटीरियल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता हमने यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया एग्ज़ाम्पल नंबर सेकेंड विजडम इज़ ए ग्रेट वर्चू यहाँ पे वर्ड विजडम जो है ये एबस्ट्रैक्ट नावन है रूल हमने पढ़ा एबस्ट्रैक्ट नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता एग्ज़ाम्पल नंबर थर्ड जो है आई लिव इन मगलपोरा मगलपोरा जो है ये प्रॉपर नावन है प्रॉपर नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर भी हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गोल्ड मेटीरियल नावन विजडम एबस्ट्रैक्ट नावन मोगलपोरा प्रॉपर नावन इन नावन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता और मैंने भी नहीं किया एक्सेप्शनस हम साथ में पढ़ेंगे एक्सेप्शन यानी सिवाय मीनस किसी जगह पे हो सकता है वो कहाँ पे होगा उनको भी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं किसी चीज को हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे आज हम आपको ये क्लियर करके देंगे एग्जाम्पल की ओर एक नजर द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी प्रेशियस एक चीज आपने हमेशा याद रखना है आर्टिकल द इज यूजड बिफोर एवरी ना वन वेन यूजड इन स्पेशल सेंस मीनस हर नावन के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है जब उसको स्पेशल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है यहां पे आप देखिए यहां पे लिखा था हमने गोल्ड इज एक्सपेंसिव और इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में आप डिफरेंस देखिए द गोल्ड ऑफ अफ्रीका अब तो अफ्रीका को गो गोल्ड है ये गोल्ड जो है अब स्पेशल सेंस में इस्तेमाल किया गया इसीलिए यहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया दूसरी एग्जांपल जो है द विजडम ऑफ दानिश अभी तो यहां पे विजडम ही थी यहां पे अभी एबस्ट्रैक्ट नावन जो है विजडम सिर्फ विजडम को वहां पे इस्तेमाल किया गया था नाउ दिस विजडम विजडम हैज बीन यूज्ड इन सेंस अब आप स्पेशलिश है इसलिए यहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ पर देखिए और एक रूल नो आर्टिकल इज यूज्ड रादर वी कैन से नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बिफोर द नेम ऑफ सिटी कंट्री टाउन गेम्स एंड स्पोर्ट सीजन कलर सब्जेक्ट लैंग्वेज फेस्टिवल प्लेनेट डेज एंड मंथ्स इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा आप देख सकते हैं एग्जाम्पल की ओर एक नज़र ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर बीमारी है उसको डिजीज है यहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ आई प्ले क्रिकेट गेम का नाम है क्रिकेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ आई कैनॉट वेट फॉर समर समर यानि सीजन सीजन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता आई लव ईद ईद फेस्टिवल है फेस्टिवल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता आई लिव इन इंडिया आई लिव इन इंडिया इंडिया जो है कंट्री के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे एक एक्सेप्शन है अगर हम अगर हम यहाँ पे अमेरिका का नाम लेंगे हम कहेंगे अमेरिका, इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा अगर हम यहाँ पे लिखेंगे यू एस यूनाइटेड यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में तो आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज़ द ग्रुप ऑफ मनी कंट्रीज़ इसीलिए यहाँ पर इस केस में यहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा लाइकवाइज यहाँ यू के जो है अगर हम इंग्लैंड का नाम लेंगे इंग्लैंड आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा नेम ऑफ कंट्री लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखेंगे यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम तो आप जानते हैं इट इज़ द ग्रुप ऑफ कंट्रीज यहाँ पर भी इस केस में आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा आज जब तक ना आपको कंसेप्ट पूरी तरह समझाऊंगा यहाँ देखिए वेन ए लोकेशन इज यूज फॉर द पर्पस इट इज डिज़ाइनड फॉर नो आर्टिकल इज यानी जिस जगह को हमने बनाया अगर उसी पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है नो आर्टिकल इज रुकय एग्जाम्पल की ओर एक नज़र विच विल मेक यू मोर क्लियर स्कूल चिल्ड्रन गो टू स्कूल स्कूल चिल्ड्रन और स्कूल 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 चिल्ड्रन के लिए बनाया जाता है सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड प्रिजनर्स आर इन प्रिजन प्रिजन और प्रिजनर्स इस पे आप गौर कीजिए प्रिजन को प्रिजनर्स के लिए बनाया गया है यानी ये लोकेशन जो है इसे सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड पेशेंट्स आर इन हॉस्पिटल हॉस्पिटल ये लोकेशन जो है इसे पेशेंट्स के लिए बनाया जाता है यानी सेम परपोज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है नो आर्टिकल इज रिकाय स्लीप इन बेड हम कहाँ पर सोते हैं सभी लोग जानते हैं बिस्तर में और कहाँ बेड जो है मीनस वहीं पर सोते हैं सेम परपोज के लिए इस्तेमाल हुआ है नो आर्टिकल इज रिकाय और यहाँ पे देखे वैन अदर पीपल विजिट दीज प्लेसिस समझने वाली बात है बट वैन अदर पीपुल विजिट दीज प्लेसिस इन डिफरेंट कॉन्टेक्सट आर्टिकल इज रिक्वायर्ड तब आर्टिकल की जरूरत है एग्जाम्पल सरपंच विजिटेड द स्कूल सरपंच ने स्कूल को विजिट किया स्कूल किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे सरपंच सरपंच और स्कूल के बीच कोई रिलेशन नहीं है सरपंच वहाँ पे गया इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ और एक रूल है यहाँ पे नो आर्टिकल इज यूज बिफोर लंच ब्रेकफास्ट डिनर लंच का नाम लेंगे नो आर्टिकल इज रुकाल इज रिकायनर नो आर्टिकल इज रुका अगर आप एग्जाम्पल खुद भी देना चाहेंगे तो दीजिए डिनर डिनर विल भी रेडी एट सिक्स और एट पी एम होप यू अंडरस्टैंड विश यू ऑल द बेस्ट जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए लाइक करना ना भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू